आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, बाला साहब ठाकरे से लेकर महाभारत तक का जिक्र कर शिवसेना ने अलग अंदाज में और इशारों इशारों में कंगना रनौत को दी धमकी। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर शिवसेना ने एक बार फिर से कंगना रनौत पर निशाना साधा है। इस बार बाला साहब ठाकरे से लेकर महाभारत तक का जिक्र कर कंगना रनौत को इशारों इशारों में घेरे में लिया गया है और उन पर हमला बोला गया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कई दिग्गज कलाकारों का नाम लेकर लिखा है कि ऐसे लोगों ने मुंबई को अपने अभिनय और काम से संवारने का काम किया है, न कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर किया या खुद कांच के घर में रहकर दूसरों के घर पर पत्थर फेंका। शिवसेना ने कहा कि मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर है कि नहीं, यह विवाद जिसने पैदा किया उसी को मुबारक। सामना में यह भी लिखा गया है कि बाला साहब ठाकरे ने दूसरे हाथ में स्वाभिमान की चिंगारी रखी। अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि उस चिंगारी पर राख जम गई है तो वह एक बार फूंक मार कर देख ले। मामले में शिवसेना के हमले का जवाब देते हुए कंगना रनौत ने कहा कि क्रूरता अन्याय कितने भी शक्तिशाली हों, जीत भक्ति की ही होती है। शिवसेना के साथ तकरार के बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं। अब कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया है जिसमें सोमनाथ मंदिर में वे पूजा करती दिख रही हैं। इसके बहाने उन्होंने उनका दफ्तर तोड़ने वाली शिवसेना पर वार किया है। उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, सुप्रभात दोस्तों, यह फोटो सोमनाथ मंदिर की है। सोमनाथ मंदिर को जाने कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ना चाहा, मगर इतिहास गवाह है, क्रूरता और अन्याय कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में जीत भक्ति की ही होती है। हर हर महादेव। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई थी, कई बार उस मंदिर के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास हुआ था, लेकिन लोगों की भक्ति ने उसे हमेशा खड़ा कर दिया। वहीं मामले में ड्रग एंगल में रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह के नाम लिए हैं। राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती मुंबई की भाईखाला जेल में बंद हैं। उन्हें अभी फिलहाल 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना है। रिया की गिरफ्तारी के बाद अब NCB कई बॉलीवुड दिग्गजों पर शिकंजा कसने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया ने पूछताछ में कई बड़े सितारों का नाम लिया है जो ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स पार्टी में शामिल हुआ करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार NCB के पास ऐसे 25 नामों की लिस्ट है जिसमें सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, डिजाइनर सिमोन खंबाटा शामिल हैं। ऐसे में ये तीनों NCB के रडार में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि NCB इन सितारों को समन भेजने की तैयारी कर रही है। बता दें कि सिमोन का नाम रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट में सामने आया था जिसमें ड्रग्स को लेकर बात हुई थी। आगे की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।